तो फिलहाल अभी आपके सामने है iQube ST और S। देखा जाए तो दोनों ही जो गाड़ियाँ हैं लगभग लगभग आपको बॉडी लैंग्वेज में सेम लगेगी, बट यहाँ पर जो रेंज है ST में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, S में थोड़ी सी कम मिलती है। ये 145 किलोमीटर की रेंज देती है, वो 100 किलोमीटर की रेंज देती है। आज हम बात करने वाले हैं ST का जो हेडलैम्प है उसकी थ्रो वगैरह कैसी और क्या रहने वाली है। हालाँकि S से अगर कंपेयर करोगे तो कोई मतलब नहीं है, दोनों की हेडलाइट वगैरह सेम है, बट बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या इसकी जो लाइट है वो तेज है या फिर पहले ही जैसी है। चलो ये जो डाउट है आज हम क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मतलब आप डिस्प्ले का जो यहाँ पर मतलब ये जो लाइट है ना, ये देख लो कैसा कुछ है, मतलब कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक प्रेस करके आप मतलब गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो थीम आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है। अब इस गाड़ी को क्या कि आपको देखने अब इस गाड़ी को दिया जाता है टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन में यहाँ पर जनरल सेटिंग आ जाता है। जनरल सेटिंग में आप यहाँ पर डिस्प्ले में मतलब जो थीम वगैरह है ये देखा जाए तो आप चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो, कस्टम इमेज भी लगा सकते हो और यहाँ पर कस्टम कलर्स का भी ऑप्शन आ जाता है। तो कुछ ये इस हिसाब किताब में रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये डे टाइम और ये देखा जाए तो नाइट के हिसाब से ये एडजस्ट भी हो जाता है। और अगर बाकी के चीज़ों के बारे में बात करें तो ब्लूटूथ सेटिंग यहाँ पर आपको ये नज़र आता है, माई व्हीकल, और क्या है कि इसमें मतलब आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाया करता है। तो डिस्प्ले वगैरह का जो टच रिस्पॉन्स वगैरह भी ये काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बेहतरीन ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर इसके बैक एंड में आ जाएँ तो बैक एंड कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। जो टेल लैंप वगैरह ये सारी चीज़ें आपको LED में यहाँ पर नज़र आ जाती है। इवन इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको LED में दिए गए हैं, नंबर प्लेट की जो लाइट है ये भी LED में दी गई है। अब चलिए मैं आपको इसका जो हेडलाइट की जो थ्रो है वो चेक कराता हूँ, ये किस हिसाब किताब की क्या और रहने वाली है। जैसे कि अभी दोनों ही गाड़ियाँ ऑन है तो इस वजह से यहाँ पर ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब हेडलाइट की जो थ्रो है वो मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। तो सामने देखो ये अभी हम लोग ओपन स्पेस में इसको लेकर आए हुए, तो ओपन स्पेस में लाते हैं तो जो थ्रो है ये एक बार आप चेक कर लो, काफ़ी फैला फैला सा यहाँ पर आपको थ्रो नज़र आ जाता है। और जैसे ही मैं इसको अगर हाई बीम पर शिफ्ट करूँ तो हाई बीम आपको कुछ यहाँ पर मतलब अगर आप वहाँ वॉल पर देखोगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि भैया गाड़ी में हाई बीम लगा हुआ है। मतलब उतना ज़्यादा सही से समझ नहीं आता, अगर आप इसको सिटी के हिसाब से देखते हो तो सिटी के हिसाब से इसकी जो लाइट की जो थ्रो है ओके। हाईवे के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, बिकॉज़ हाईवे में थोड़ी सी लाइट आपको ब्राइट चाहिए रहती है, तो हाईवे के हिसाब से यहाँ पर लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइटर साइड में नहीं मिलती है, तो ठीक ही ठाक यहाँ पर आपको थ्रो मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है लाइट कहाँ यहाँ पर काफ़ी फैली फैली सी नज़र आ जाती है, जैसे कि वो वाली iQube खड़ी है पीली वाली, उसकी भी जो लाइट है वो अभी जल रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो लाइट की जो थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छी है। और ब्राइटर साइड में भी है, हल्की ब्राइटर साइड में बोलेंगे, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, हल्की ब्राइटर साइड में ये रहने वाली है। देखो अभी ये क्या है कि हमने इसको हाई बीम पर शिफ्ट करके रखा हुआ है, लो बीम पर भी लेके आ जाएंगे या फिर हाई बीम पर शिफ्ट करेंगे तो उतना खास आपको मतलब जो इसका मतलब चेंज है ना वो उतना खास नज़र नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो हेडलाइट है वो रहने वाला है। बाकी आपको कितनी बेहतर लगी इसकी हेडलैम्प मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसकी अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हो साई मोटर TVS रायपुर में, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ST। अगर आप इसका टेस्ट राइड वगैरह कुछ कराना चाहते हो तो आराम से वहाँ पर जाके आप टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो ST की। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।